नमस्कार, स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। अभी हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सरकार की। दरअसल आपको बता दे, महाराष्ट्र सरकार पर अभी संकट गहराया हुआ है। यह संकट इसलिए है क्योंकि 6 अप्रैल को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल को पत्र लिखा गया था। इस पत्र पर अभी तक राज्यपाल के द्वारा सरकार को वापस प्रतिक्रिया नहीं मिली है और इसी प्रतिक्रिया न मिलने के कारण अब ऐसा लग रहा है कि यह उद्धव सरकार गिर सकती है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि उद्धव की सरकार राज्य में रहेगी या फिर नहीं, क्या ठाकरे राज रहेगा या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप आगे भी महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा है, उसे दबाइए, हमसे जुड़िए ताकि आपको हर एक राजनीति की बड़ी खबर सबसे पहले देखने को मिल सके। और कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, महाराष्ट्र में भाजपा सरकार अच्छी थी या यह महाविकास आघाड़ी? कमेंट जरूरी करिएगा, अपनी राय देते जाइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सरकार पर संकट किस तरह आया है। दरअसल आपको बता दें, राज्य मंत्रिमंडल ने उद्धव ठाकरे को MLC मनोनीत करने का प्रस्ताव 10 दिन पहले यानी कि 6 अप्रैल को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, आपको बता दें, उद्धव को MLC मनोनीत करने के संबंध में राज्यपाल अभी कानूनी सलाह ले रहे हैं, कानूनी राय ले रहे हैं और हो सकता है वो इसके ऊपर अपना फैसला कुछ ही दिनों में दे दे। दरअसल आपको यह भी बता दें कि मनोनयन के लिए 3 नामों पर अभी पेच अड़ा। ये 3 नाम में से 2 नाम पहले जनवरी माह में भेज दिए गए थे और अभी 1 नाम अभी मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे का गया है। तो आपको बता दें, इनमें से 2 नाम है जिनमें NCP के नेता शिवाजी राव गर्जे और NCP मीडिया सेल की प्रमुख आदिति नलावड़े का नाम भी शामिल है। इनके अलावा अब 3रा नाम उद्धव ठाकरे का मनोनीत करने के प्रस्ताव को भेजा गया है। अब आइए आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार पर क्या संकट गहराया हुआ। दरअसल आपको बता दें, 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी समय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। दरअसल आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को 6 महीने के अंदर विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिरना तय हो जाता है, और ऐसे में राज्य के सभी राज्य मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना पड़ता है। तो आपको बता दें, आगामी 27 मई को उद्धव को मुख्यमंत्री बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन वे अभी तक किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए। मौजूदा समय में ऐसी महामारी चल रही है जिसकी वजह से कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं हो रहा है। तो आइए अब आपको बता दें कि उद्धव की सरकार कैसे बच सकती है। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद के 9 पद रिक्त है। यदि 3 मई को कोरोना वायरस का संकट टल जाता है और 3 मई को ही लॉकडाउन समाप्त हो जाता है तो इन सीटों पर चुनाव हो जाएगा। यदि 15 दिनों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर 28 मई से पहले विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित हो जाए तो उद्धव ठाकरे चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रह सकते हैं। आइए अब दूसरे विकल्प को जान लेते हैं। दूसरे विकल्प के अंदर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 12 सदस्यों में से रिक्त 2 में से 1 पद पर राज्यपाल उद्धव ठाकरे को MLC मनोनीत कर दे। तीसरा विकल्प है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर कुछ दिन बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले। अगर इन तीनों विकल्प में से एक भी विकल्प करने में महाराष्ट्र की सरकार कायम रहती है तो उनकी सरकार बच सकती है, अन्यथा कुछ ही दिनों की मेहमान रह जाएगी उद्धव की सरकार, उसके बाद कुछ भी हो सकता है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही करिएगा। ऐसी ही राजनीति से जुड़ी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।